नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष गगनेंद्र सिंह ने उमरिया में रामलला मंदिर के पट बंद करने पर कड़ा एतराज जताया है और कहा, यदि रामलला के खातिर मुझे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है तो ऐसी तमाम पार्टियां, ऐसी तमाम सरकारें रामलला के लिए हम कुर्बान कर देंगे। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गगनेंद्र सिंह बहुत दिनों बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। रामलला के मंदिर में दर्शनार्थियों पर लगाई गई प्रशासनिक पाबंदी को उन्होंने गलत ठहराते हुए कहा कि प्रशासन भक्त और भगवान के बीच में अड़ंगा नहीं अटका सकता, सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में रामलला के मंदिर में दर्शनार्थियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही राम मंदिर आंदोलन को लेकर अस्तित्व में आया। इसके बाद भी जिस तरीके से भाजपा शासनकाल में राम की उपेक्षा की जा रही है वह समझ से परे है। हालांकि इस पूरे मामले में रीवा जिले के सिरमौर भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह के समर्थन में सतना के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गगनेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में राम जानकी मंदिर में लगने वाले मेले पर लगी पाबंदी उचित नहीं है। गगनेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान और भक्त के बीच बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन बाधा न बने तो ज्यादा उचित है। रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना पर पाबंदी से हर सनातन धर्मी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार को चाहिए कि इस मामले में दखल दे। रामलला के हर दिन दर्शन हो, कायदे से ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, किला को पर्यटन कॉरिडोर भी बनाया जाना चाहिए। ऐसा न हुआ तो अब आने वाले समय में जन आंदोलन होगा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये विषय रामलला का है और व्यक्तिगत मेरी आस्था मेरे इष्ट हैं और उनके लिए तो सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से साधुवाद दे रहा हूँ दिव्यराज सिंह को, प्रज्ञा त्रिपाठी जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, ये बात तो उठाई, इससे तो हमारी सारी परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। दरअसल उमरिया जिले के बांधवगढ़ पार्क स्थित किले में बांधवेश मंदिर में हर वर्ष मेला लगता था और लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करते थे और जहां 50,000 से भी ज्यादा राम भक्त पूजा अर्चना करते थे, लेकिन इस साल उमरिया जिला प्रशासन और पार्क प्रबंधन ने जंगल में हाथियों के झुंड द्वारा संभावित हमले का भय दिखाकर आयोजन और भीड़ जुटने पर सख्ती दिखाई, जिसके बाद लोगों ने इसे आस्था का प्रश्न बना लिया। भाजपा नेता ने कहा कि भक्त और भगवान के बीच दीवार खड़ी करना सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म के अनुयायी अपने धर्म और आराध्य के लिए जान तक भी दे देते हैं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। ऐसे में पार्क प्रबंधन हाथियों के झुंड का डर दिखाकर भक्तों को भगवान के दर्शन से दूर नहीं कर सकता। यदि ऐसा कर रहा है तो बेहद निंदनीय है। विंध्य के लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है और इंतजार भी रहता है, ऐसे में इस वर्ष मेले पर लगी पाबंदी कदापि उचित नहीं कही जा सकती। इससे पहले रीवा के युवराज दिव्यराज सिंह और उनके पिता पुष्पराज सिंह तथा भाजपा की महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी ने इस मामले पर विरोध जताया था। इस मामले पर विरोध जताने वालों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बांधवगढ़ से शुरू हुआ विरोध अब सतना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुका है। सतना के वरिष्ठ भाजपा नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बांधवगढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व है। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो वहाँ घूमने गए थे और वहाँ की मूर्तियाँ आज भी हमारे मन मस्तिष्क के पटल पर अंकित हैं। ऐसे में इस किले को सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की ज़रूरत है। साथ ही रामलला मंदिर का उचित प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित हो, नहीं तो आंदोलन होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारी खबरों पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से कराइए भी। नमस्कार।